दोस्तों आज 16 सितंबर 2021 दिन गुरुवार और आप मेरे सामने देख रहे हैं हर की पौड़ी का ताज़ा नज़ारा, सुंदर दृश्य, ताज़ा तस्वीर के साथ आप माँ गंगा के दर्शन करें। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, गंगा मैया की जय। तो दोस्तों आप देख रहे हैं सुबह का नज़ारा और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं माँ गंगा में स्नान करने के लिए। और जैसे टाइम बढ़ता रहेगा धीरे धीरे भीड़ होती रहेगी। तो ये सुबह 8 बजे का नज़ारा आप देख रहे हैं और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं माँ गंगा में स्नान करने के लिए। ये देख सकते हैं आप, देखिए आप, और आपको ले चलते हैं नीचे। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और आपको कैसे आना है वो मैंने आपको बता दिया है अपनी पिछली वीडियो में। तो आप आइए, आपके पास अगर रिपोर्ट नहीं है तो आप यहाँ बना सकते हैं, दिक्कत कोई नहीं है, आप आ सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे श्रद्धालु घबरा जाते हैं कि हमें हरिद्वार जाना है माँ गंगा में स्नान करने के लिए, कैसे आएँ। तो आप आइए और अपनी कोविड की रिपोर्ट यहाँ रेलवे स्टेशन पर या बॉर्डर पर आप बना सकते हैं। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आज मौसम खुला हुआ है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मौसम है आज। ये देखिए आप, ये देखिए आप गंगा जी में रिस्क लेते हुए। अगर दोस्तों आपको तैरना आता है तो आप तभी तैरें, अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आप पेड़ियों पर ही गंगा स्नान करें आप। और दोस्तों मुझे कमेंट आते हैं जल साफ़ हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं जल अभी साफ़ नहीं हुआ। अगर आप गंगा जल को भरकर ले जाते हैं डब्बे पे तो आप मिट्टी नीचे बैठ जाती है और जल अपने आप ही साफ़ हो जाता है। तो आप आ सकते हैं जल भरने के लिए, जल ले जा सकते हैं आप, जल थोड़ा बहुत साफ़ है, देख सकते हैं आप श्रद्धालु जल भर रहे हैं। ये देखिए, और ये देखिए आप फूड चाट वाले भी पहुंच चुके हैं, क्योंकि काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पे 4 बजे पहुंच जाते हैं हर की पौड़ी पे स्नान करने के लिए। ये देखिए आप, तो आपको इस तरफ दिखाते हैं माँ गंगा की जल की निर्मल धारा। तो इस तरफ जल स्तर बढ़ा हुआ है, देखिए आप। तो आप रेलिंग के उस पार ना जाएं स्नान करने के लिए, आप इसी पार ना आएं, पेड़ियों में आराम से बैठकर आप स्नान कर सकते हैं, क्योंकि जल स्तर काफ़ी तेज़ है और जल में गति भी है, जल बढ़ा हुआ है इस तरफ, देखिए आप। और आपको ले चलते हैं ब्रह्मकुंड की तरफ। और धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती चली जाती है, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, ज़्यादा भीड़ 11 बजे से और 2 बजे तक के बीच काफ़ी भीड़ रहती है। तो अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो आप सुबह भी स्नान कर सकते हैं मॉर्निंग में, और काफ़ी सारे श्रद्धालु बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, और ब्रह्मकुंड की तरफ इस तरफ थोड़ा जल कम किया हुआ रहता है, क्योंकि सारे श्रद्धालु, काफ़ी सारे श्रद्धालु इस तरफ स्नान करते हैं, देखिए आप।
यहाँ पे जल कम है। आप ब्रह्मकुंड के दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों आप पुल से देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है हर की पौड़ी का। ये देखिए आप, सुबह सुबह भी घाट फुल हो जाता है हर की पौड़ी का पूरा। और आप इस तरफ देख सकते हैं अस्सी प्रवाह घाट की तरफ, तो इस तरफ भी काफ़ी सारे श्रद्धालु तर्पण इत्यादि पिंडदान करवा रहे हैं। ये देखिए आप, और मार्केट की तरफ देखें तो काफ़ी सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ऊपर आप माँ मनसा देवी के दर्शन कर सकते हैं, पहाड़ की चोटियों में बसा माँ मनसा देवी का मंदिर, श्रद्धालु आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप आते हैं तो मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ आप मास्क का प्रयोग करें और गंगा घाट पर आप सफाई का विशेष ध्यान दें, तो आप देख रहे हैं नाई घाट का नज़ारा। तो इस तरफ हमेशा जल की गति काफ़ी तेज़ रहती है, ये देखिए आप। और काफ़ी सारे श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं नाई घाट में, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, ये देखिए आप। तो दोस्तों अगर आप आना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है, आप आ सकते हैं, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट आपको पूरे 10 बजे तक खुले हुए मिलेंगे। जो नियम पहले लागू किया गया था कोविड कर्फ्यू का, वो नियम अभी भी लागू है, तो कोई घबराने की कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप आ सकते हैं। आप मास्क का प्रयोग करें और कोविड की रिपोर्ट आपके पास नहीं है तो आप यहाँ बना सकते हैं, मैंने बता दिया, कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। आप आइए माँ गंगा में, आप स्नान करें, गंगा जल भरकर आप ले जाएँ, माँ गंगा आरती के आप दर्शन करें और आप आएँ हरिद्वार घूमने के लिए। ये देखिए आप खूबसूरत नज़ारा हर की पौड़ी का आज का। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, गंगा मैया की जय। भाई मत।